जोहार छत्तीसगढ़ के 13 वर्ष पूरे होने पर आप सभी पाठकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें इस अवसर पर 1 नवंबर 2021 को पत्रकार सम्मेलन व सम्मान समारोह होने जा रहा है। साथ ही रात्रि 8 बजे विराट कवि सम्मेलन भी होगा, जिसमें आप सभी सम्मानित जन सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सीट कवर की दुकान पर आग लग गई, जिसे सुबह लोगों ने देखा और दुकान मालिक लक्ष्मण रोहिदास को इसकी सूचना दी। लक्ष्मण रोहिदास अपने परिवार वालों के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने में जुट गए। आग बुझा पाते तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था, जिसकी सूचना उन्होंने रतनपुर थाने में दी। लेकिन अभी तक 4 दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली। विदित हो कि सब्जी बाजार में नगर पालिका द्वारा राजस्व वसूला जाता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और बेतरतीब तरीके से दुकानें लगी हुई हैं। सुरक्षा के भी कोई उपाय नहीं है। ऐसे में आगजनी की घटना से एक दुकान जलाकर राख हो गई और किसी भी दिन बड़ी घटना घट जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सहोदरा बाई रोहिदास ने अपनी आप बीती को बताते हुए कहा कि मैं नगर पालिका में रिक्शा चलाकर कचरा कलेक्शन का काम करती हूँ और इसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। अपनी गाड़ी कमाई से एक लकड़ी का स्थायी ठेला 25,000 में बनवाया था, जिसमें अपने लड़के के लिए दुकान खुलवाई थी। दुकान में रखे 10,000 की सिलाई मशीन, 30,000 का जूता चप्पल, 20,000 की सीट कवर और 6,000 का मोची रिपेयरिंग सामान रखा हुआ था, सभी जलकर राख हो गया। अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व द्वारा ये कृत्य किया गया है। गरीब का भला करने वाला कोई नहीं, शासन प्रशासन के साथ किसी संस्था ने भी इसकी सुध नहीं ली, जिससे उसकी क्षतिपूर्ति हो पाए। आग लगी मोला 11 बजे बुलाई, 11 बजे हम पूरा फैमिली आ रहे हैं, फैमिली आ रहे हैं और लड़का मन बुझात रहे, ध्यान खोले तोला का लगते कैसे जली सोही है? मोला लगते कि आग लगाई। कौन लगाई? अब कौन लगाई से पता नहीं, पता पाते तो कब पकड़ते नहीं। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट।